Hello students, today we will start examples of co-prime integers. So first example have it hamari, four positive integers a, b and m. If a the power m divide b the power m, this implies a divide b, means b is divisible by a. So beta hum kaise prove karna hai? Let a b ka कॉमन डिवाइजर बेटा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मैंने डी ले लिया. सो बेटा हमने थ्योरम प्रूव किया डी को क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई फर्स्ट सेकेंड. ओके देन बेटा डी डिवाइड ए एंड डी डिवाइड बी. वी राइट ए इज इक्वल टू ए वन डी, बी इज इक्वल टू बी वन डी. Because if A is divisible by T, then A is multiple of T. Okay. Then put in second. We have D equal to A1 dx plus B1 dy. So 1 equal to A1x B1y. Mere paas yeh aa gaya. Okay. Then a1x plus b1y. So, बेटा हमने एक थ्योरम प्रूव की है. If ab का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, को प्राइम है बेटा ax plus by equal to 1. तो बेटा a1x plus b1y equal to 1. So a1 b1 equal to 1. बेटा मैं लास्ट वीडियो मैंने प्रूव किया है बेटा ab equal to 1. Then a the power n b the power m is equal to 1, m is any positive integer. So, m क्या है यहाँ पे positive integer, a1 the power m, b1 the power m equal to 1. Clear है बेटा point, मेरे पास ये आ गया. a1 the power m, b1 the power m, हमें ये given है बेटा. a the power m divide b the power m. बेटा a किसके equal है? a1 d. A the A1 the power m, D the power m, divide B1 the power m, D the power m. So we have A1 the power m, B1 the power m. Okay. But from this, बेटा हमने theorem prove किया देखो. If A B का common divisor 1 है, okay, तो बेटा A B का यदि common divisor 1 है, A1 the power m, B1 the power m. Equal to 1. A1 the power m divide B1 the power m, which are possible only if A1 the power m किसके करो 1 के करो. देखो आप सोचो बेटा यदि AB का common divisor 1 3 का common divisor 1 है तो 1 3 को क्या कर रहा है बेटा डिवाइड कर रहा है. ऐसे आपको 2 3 का common divisor 1 है पर 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा. तो यही कंडीशन है बेटा इनका common divisor 1 है और ये डिवाइड भी कर रहा है. ये तो पॉसिबल तभी है जब a1 1 हो, क्यों 1 डिवाइड एवरी नंबर. सो a1 किसके इक्वल आ गया 1, पुट इन दिस वन a इक्वल टू d. यदि a d के इक्वल है पुट इन दिस वन b इक्वल टू b1 a. तो a इसको डिवाइड कर रहा है, a किसको डिवाइड करेगा b को, ये प्रूव करना था बेटा. देखो a b n पॉजिटिव इंटीजर है, हमें क्या गिवन है a दी पावर m डिवाइड b की पावर, हमें क्या प्रूव करना है a डिवाइड b. लेट a b का कॉमन डिवाइजर ग्रेटर इज इक्वल टू d ले लिया बेटा, d डिवाइड a, d डिवाइड b, d इक्वल टू ax प्लस by. मैंने यहां पे पुट की वैल्यू ये आ गया बेटा. ये कंडीशन है ना, यदि a b इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ ax प्लस by इक्वल टू 1. मैंने थ्योरम प्रूव किया, चेक कर सकते हो बेटा को प्राइम में a1 b1 इक्वल टू 1. तो ये थ्योरम भी प्रूव किया बेटा a1 की पावर m b1 की पावर m इक्वल टू 1. तो मेरे पास ये है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की. आप क्लियर है बेटा पॉइंट, ये डिवाइड भी कर रहे हैं, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, जो तभी पॉसिबल है बेटा a1 क्या हो 1. तो a1 की वैल्यू 1 ad यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास आ गया. सेकंड एग्जांपल है बेटा इसकी, फॉर पॉजिटिव इंटीजर. सेकंड एग्जांपल a v m आर पॉजिटिव इंटीजर. And m greater than 1. Okay. If a the power m divide
2 into b the power m, prove that a divide b. जस्ट बेटा यही प्रूव किया मैंने बेटा, a let a b का greatest common divisor d, ये दोनों conditions आ गई. ओके आगे d divide this, तो मेरे पास क्या है बेटा, 1 equal to a1x plus b1y, a1 b1 1, ओके a1 the power m, b1 the power 1, यहां तक आ गया बेटा मेरा. अब यहां से बेटा am divide to the power bm, तो यहां पे क्या आ गया बेटा, a1 the power m d the power m divide to b1 the power m d the power m. तो बेटा मेरे पास क्या है, a1 the power m divide to b1 the power m. बेटा यूक्लिड्स लेम्मा में मैंने प्रूव भी किया था, आपको बता भी रहा हूं यहां पे. देखो a1 the power m b1 the power m इनका कॉमन डिवाइजर 1 है. जैसे बेटा देखो 4 divide 20, 4 divide 4 into 5, 4 5 का greatest common divisor कितना है 1, तो 4 किसको divide करेगा इसको, clear है बेटा. जैसे मैंने 80 ले लिया बेटा, तो यहाँ पे क्या आ गया common divisor 1 है, 16 into 5, तो 4 5 का greatest common divisor क्या है 1, तो 4 किसको divide करेगा बेटा 16 को. तो यही है बेटा, देखो a1 b1 दी पावर m का कॉमन यूक्लिड्स लेमा में प्रूव भी किया बेटा मैंने, तो a1 दी पावर m डिवाइड टू, और m क्या है बेटा ग्रेटर देन 1 है. m क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है. यदि m ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव है, यदि मैं यहां पे a1 की वैल्यू 2 ले ली, m क्या है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 2 4 4 डिवाइड करेगा बेटा, नहीं करेगा. तो मैं क्या रखूंगा यहां पे, पॉसिबल ओनली इफ a1 क्या है 1. यदि a1 1 है तो a किसके इक्वल आ गया, d, b इक्वल टू a1, a किसको डिवाइड कर रहा है बेटा b को. बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल था बेटा, थर्ड एग्जांपल क्या है बेटा, a डिवाइड b, c डिवाइड d, इफ cd का सॉरी bd का कॉमन डिवाइजर 1 है, हमने क्या प्रूव करना है बेटा, ac का कॉमन डिवाइजर भी क्या है 1, मैंने ये प्रूव करना है. तो मैं ये गिवन है ना बेटा, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, b किसके इक्वल आ गया a1 a, d किसके इक्वल आ गया c1 c. यहां से bx plus dy equal to 1, bx a a1 x c c1 y equal to 1, a इसको क्या लिख लो बेटा x1 c y1 equal to 1, ये क्या कंडीशन आ गई, a c equal to 1 हमने प्रूव किया बेटा. नेक्स्ट बेटा फोर्थ, इफ a b का कॉमन डिवाइजर 1, c डिवाइड a plus b, तो हमने क्या प्रूव करना है बेटा, सी ए का कॉमन डिवाइजर 1 है, सी बी का कॉमन डिवाइजर क्या है 1 है, मैंने ये प्रूव करना है बेटा. लेट मैंने सी ए का कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या ले लिया बेटा, डी, डी डिवाइड सी, डी डिवाइड ए, ओके सी इक्वल टू सी 1 डी, ए इक्वल टू ए 1 डी. ओके फ्रॉम दिस ax plus by equal to 1, क्लियर है बेटा, ax plus by equal to 1. और यहां पे देखो बेटा एक पॉइंट और है, सिंपली हो जाएगा बेटा, ये तो d डिवाइड c है ना, तो c किसको डिवाइड कर रहा है, d डिवाइड c, d डिवाइड a plus b, सॉरी c डिवाइड a plus b, तो d किसको डिवाइड करेगा बेटा, a plus b, d किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, a को भी डिवाइड कर रहा है. देखो d डिवाइड c, c डिवाइड a प्लस b, तो d किसको डिवाइड कर रहा है, a प्लस b को, d किसको डिवाइड कर रहा है, a को, तो d किसको डिवाइड करेगा, इनकी सबट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, सो d किसको डिवाइड कर रहा है, b, d a को भी डिवाइड कर रहा है, d b को भी डिवाइड कर रहा है, तो d के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को भी क्या करेगा, डिवाइड, ग्रेटर दैन किसके इक्वल है 1, तो d डिवाइड 1, d क्या है पॉजिटिव, तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1. सिमिलरली हमने क्या प्रूव करना है बेटा, c इक्वल टू 1. ओके
नेक्स्ट बेटा फिफ्थ, फिफ्थ क्या बेटा सी ए, इफ सी ए का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है प्रूव दैट ए कॉमा बी सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और ए कॉमा बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है बेटा सेम है, मैंने ये प्रूव करना है। ओके लेट, मैंने इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या ले लिया डी, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या ले लिया डी वन, तो मैंने क्या प्रूव करना है डी इक्वल टू डी वन, इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा डी डिवाइड डी वन, डी वन डिवाइड डी, मैंने ये प्रूव करना है। ओके फर्स्ट भी प्रूव डी डिवाइड डी वन, तो बेटा मुझे मालूम है ए बी सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी है, डी डिवाइड है डी डिवाइड बी सी। ओके डी ए को डिवाइड कर रहा है, डी किसको डिवाइड कर रहा है बी सी को। ओके और हमें ये गिवन है बेटा सी ए, तो यहां पे क्या लिखेंगे ए किसके इक्वल आ गया बेटा डी के वन, बी सी किसके इक्वल है डी के टू, और यहां से कंडीशन बेटा सी ए किसके इक्वल है वन, तो क्या लिखेंगे बेटा सी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू वन। ओके क्लियर है बेटा सी एक्स प्लस ए वाई वाई इक्वल टू वन, तो मेरे पास बेटा ए की वैल्यू मालूम है ना कितनी है डी के वन, तो सी एक्स प्लस डी के वन वाई इक्वल टू वन, सी एक्स प्लस डी वाई वन इक्वल टू वन आ गया मेरे पास। तो बेटा सी डी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा बेटा मेरे पास वन होगा ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन, तो ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है वन। तो अब देखो यहाँ पे बेटा यदि सी डी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है बाय यूक्लिड्स लेम्मा, तो डी सी को डिवाइड तो नहीं कर रहा है, तो डी किसको डिवाइड करेगा बी को, डी ए को डिवाइड कर रहा है डी बी को डिवाइड कर रहा है, तो डी किसको डिवाइड करेगा ए बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो डी ये किसके इक्वल है डी वन, तो डी किसको डिवाइड कर रहा है बेटा डी वन। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है बेटा, नेक्स्ट प्रूव करना है मैंने बेटा यहाँ पे नेक्स्ट भी प्रूफ डी वन डिवाइड डी। ओके तो ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या रखा है मैंने डी वन, डी वन डिवाइड है डी वन डिवाइड बी, तो डी वन यदि बी को डिवाइड करा है डी वन किसको डिवाइड करेगा बी सी, क्योंकि जो बी को डिवाइड करा है तो किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डी वन डिवाइड ए बी सी, तो डी वन किसको डिवाइड कर रहा है डी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डी वन इक्वल टू डी टू। नेक्स्ट बेटा सिक्स प्रूव दैट देयर इज नो पेयर ऑफ इंटीजर्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू हंड्रेड एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर थ्री। बेटा हमें ये प्रूव करना है कोई भी नंबर नहीं है जो ये कंडीशन क्या कर रहा है बेटा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो देखो थ्री डिवाइड एक्स थ्री डिवाइड वाई थ्री डिवाइड एक्स प्लस वाई ये किसके इक्वल है हंड्रेड, ये पॉसिबल है नो, तो कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है जो इस कंडीशन को क्या करे बेटा सेटिस्फाई करे। ओके नेक्स्ट मैं कॉन्टिन्यू करूंगा बेटा एग्जाम्पल, सो थैंक यू वेरी मच।